गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकाली जाती है ये हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, और ये कब निकाली जाती है, जब कोई न्यू पार्टनर जो है वो फर्म में प्रवेश करता है। जब न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो जितने भी पुराने साझेदार होते हैं उनको अपने लाभ का कुछ हिस्सा जो है वो नए साझेदार को भी देना पड़ता है। तो इस तरह से उनको अपने लाभ का कुछ हिस्सा त्याग करना पड़ता है। इस त्याग को जब हम अनुपात के रूप में लिखते हैं तो उसे त्याग अनुपात कहते हैं। तो त्याग अनुपात जो है वो किस तरह से निकाला जाता है, इसका फॉर्मूला हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसका हमने एक क्वेश्चन कर लिया था, अब हम इसके सेकंड मेथड के साथ सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड मेथड है, जब पुराने लाभ विभाजन अनुपात के साथ नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड न्यू पार्टनर शेयर इज़ गिवन। आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दी होगी, साथ में न्यू पार्टनर का शेयर दिया होगा, तो आपने किस तरह से सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है। तो ये मेथड हम पहले भी कर चुके हैं, इससे पहले जो पहला मेथड था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने का वही है, लेकिन इसमें अब सेक्रीफाइसिंग रेशो भी निकालनी है। तो जैसे क्वेश्चन है आपका, शांति एंड सुखदेव आर ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 5:3। शांति और सुखदेव पार्टनर हैं जो कि प्रॉफिट को 5:3 में बांटते हैं। दर्शन ज्वाइंड एज ए न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। दर्शन जो है वो 1/5 हिस्से के लिए फर्म में आया है। कैलकुलेट NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ज्ञात करो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशो। SR का मतलब सेक्रीफाइस। पहले हमारे क्वेश्चन यहाँ तक ही होते थे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने तक, ये आप कर चुके हैं, यहाँ तक आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जब ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपके पास आ जाएगी तो आपने फिर कौन सी रेशो कैलकुलेट करनी है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। यानी कि इस क्वेश्चन में हमने दो रेशो कैलकुलेट करनी है, एक NPSR और दूसरी सेक्रीफाइसिंग। तो स्टार्ट करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट 1, पूरा प्रॉफिट 1 होता है। दर्शन शेयर, दर्शन कितने हिस्से के लिए आया है, 1/5, तो रिमेनिंग शेयर कितना बच गया उसका, 1 - 1/5 इज इक्वल टू 4/5, 4/5। तो अब हमने जो शांति है उसका नया हिस्सा निकाल लेना है, तो शांति इज़ न्यू शेयर इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे उसका, ओल्ड शेयर मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर, ओल्ड शेयर है 5/8 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर 4/5। ये सीधे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 × 4 = 20, 8 × 5 = 40। तो ये आ गया शांति का न्यू शेयर। अब इसके बाद हम सेम प्रोसीजर जो है वो सुखदेव के लिए अपनाएंगे। सुखदेव्स न्यू शेयर, सुखदेव का न्यू शेयर, इसका भी ओल्ड शेयर 3/8 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर 4/5। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आएगा हमारे पास 4 × 3 = 12/40। तो ये सुखदेव की भी हमारे पास न्यू रेशो आ गई। तो हैंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या आएगी, 20/40, 12/40, और न्यू की तो दी है कितनी, 1/5। अब इसको भी हमें 40 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8/8 से, तो इसका भी आ जाएगा 8/40। तो इस तरह से हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आ चुकी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि जब न्यू पार्टनर फर्म में प्रवेश करता है तो 6 प्रकार की जो एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं, जिसमें से हमने पहली पढ़ी थी कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तो सेकेंड थी कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कर रहे हैं, लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशो तभी आएगी जब हमारे पास कौन सी रेशो होगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगी। तो ये अभी भी हमें निकालनी पड़ेगी जैसे पहले मेथड में निकाली थी। अब हमारे पास दो रेशो आ चुकी हैं, एक ओल्ड रेशो भी है, अब एक न्यू रेशो भी है। जब दो रेशो हमारे पास हों तो हम कौन सी रेशो निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो, जिसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो भी हमारे पास है, अब न्यू रेशो भी है। तो ओल्ड रेशो पहले शांति की निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो शांति शेयर, ओल्ड शेयर 5/8 माइनस न्यू शेयर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5/10। तो इनका LCM निकला 40, 8 × 5 = 40, 5 × 5 = 25, 10 × 4 = 40, 4 × 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 20, यानी कि 5/40। ये आई शांति की सेक्रीफाइसिंग रेशो।
अब सुखदेव की निकालते हैं, तो सुखदेव की फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशो। सुखदेव की ओल्ड रेशो क्या है, 3/8 है ना, और न्यू रेशो अभी आई है जो 3/, ये सारा ही ले लेना, न्यू तीसरे का भी ले लेना, ये नहीं कि दो का ही काउंट किया, न्यू में तीनों आ जाएंगे, तीनों का टोटल आएगा 3/10। एलसीएम आ गया 40, तो इस तरह से इसको भी कैलकुलेट किया तो हमारे पास आ गया 3/40। तो ये आ गई हमारे पास सेक्रीफाइजिंग रेशो ऑफ शांति और सुखदेव, क्या 5/40 और 3/40, डिनोमिनेटर सेम है तो इसलिए हमारे पास रेशो आ गई 5:3। जब ये लेट टोटल प्रॉफिट 1 वाला मेथड रहता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो हमारी सेक्रीफाइजिंग रेशो होती है वो सेम आती है जो ओल्ड रेशो होती है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, जो ओल्ड रेशो होती है वही हमारी क्या आनी चाहिए, सेक्रीफाइजिंग रेशो भी आनी चाहिए। कब, जब आप ये वाला मेथड लगाएंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट करने का, लेट टोटल प्रॉफिट 1 वाला। तो ये था आपका सेक्रीफाइजिंग रेशो निकालने का दूसरा मेथड। अब इसमें दो रेशो कैलकुलेट किए आपने, एक NPSR और दूसरी SR, यानी कि सेक्रीफाइजिंग रेशो। अब एक सेम ऐसा क्वेश्चन घर के लिए भी दे देती हूँ, तो ये आपने करना है घर के लिए भी। ये क्वेश्चन है बेटे एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और साथ में आंसर भी दिया हुआ है इसका।